देखिए ये जो है कि एक्साइटेड कितना है जो है कि बाबू जो है कि जाने के लिए अभी, और कहाँ हम लोग जा रहे हैं इसकी तैयारी चल रही है। देखिए कार के लिए इतने एक्साइटेड है कि क्या होता है। और रात को 8 बजने वाले हैं, बज ही गए हैं लगभग, और हम लोग कहीं निकल रहे हैं। कहाँ निकलेंगे? तो आज वीकेंड मनाने का ख्वाब है हम लोगों के पास, तो चलते हैं क्योंकि सैटरडे है और कल है संडे, तो फिर जो है कि चल रहे हैं दोस्तों हम लोग अपना वीकेंड मनाने। तो बने रहिए, देखते रहिए। देखिए कितना परेशान है जो है कि, अरे रुक जाओ अभी गाड़ी नहीं जा रही है, कार वहीं है। चल दिए सारे लोग जो है वीकेंड पर और देखिए कहाँ जा रहे हैं। बाय कर दो बाबू, आज है सैटरडे, तो फिर जो है कि हम लोग गाइज को बाय कर दीजिए, किस किस जगह जा रहे हैं, बाय कर दीजिए बाय। और देखिए यहाँ पर नीचे झुक करके साइकिल वाले निकल रहे हैं और ट्रेन आने वाली है। अब ये उतना लंबा चौड़ा किधर से किस पटरी पर ट्रेन आ रही है ये कोई ठिकाना नहीं चाहिए, बाइक वाले आ रहे हैं। और इसी तरीके के एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, तो जब अगर ये गिरा हुआ है, अगर कहीं पर भी जो है कि जहाँ पर क्रॉसिंग और रेलवे क्रॉसिंग गिरा हुआ हो, तो प्लीज आप लोग क्रॉस न करें। इसे देखिए तमाम लोग चलते आ रहे हैं। अब उसी में क्या होता है ना, कभी कभी संजोग बिगड़ा तो आप फंस जाते हैं और पता चलता है कि आप गिर जाते हैं और फिर आप एक माने आपका जीवन समाप्त हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा जो लोग भी इस तरह से काम करते हैं कि थोड़ा सा वेट करना ठीक है, न कि बहुत तेजी करना, ठीक है? बाकी तो आप लोगों की मर्जी दोस्तों। अब देखिए पुलिस वाले हैं, मैं देखता हूँ कि क्या ये भी उसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि ये रुक जाते हैं। तो नहीं, ये रुक गए और वेट कर रहे हैं जो है कि समझदारी इसी में है कि वेट किया जाए। और ये जो है कि यहाँ पर बाबू हैं और क्या देख रहे हो, हम लोग वेट कर रहे हो भाई, देख क्या देख रहे हो है। और ये देखिए उधर जो एक लाइट जल रहा है, ये है फेफना जंक्शन, ये समझ जाता है ट्रेन। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ राजू ढाबा पर और यहाँ की कंडीशन दिखा रहा हूँ कि सैटरडे के दिन यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ राजू ढाबे की एंट्री, और यहाँ गाड़ियों की कुछ इस तरह से है, बहुत मुश्किल से हम लोग गाड़ी लगा पाए। और देखिए ये फोर व्हीलर्स किस तरह से लगी हुई हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चारों तरफ इधर से लेकर के, और इतने लोग जो है कि यहाँ पर आए हुए हैं कि काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है बाइक से लेकर के और सब चीज़ों की, और काफ़ी भीड़ है। लग रहा है कि वीकेंड यहाँ पर भी लोग एक अलग तरीके से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो पा रही है, क्या हो रही है। और यहाँ पर बाबू के साथ कुछ हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, सलेंदर भी हैं, सारे लोग हैं। फिर एंट्री करते हुए हम लोग और चलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ जगह मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है। इसमें चलिए रंजी, इसमें चलिए। हम लोग आ चुके हैं, टेबल लिए हैं, देख रहे बाबू उधर खेलने में व्यस्त है, सिलेंडर पकड़ने। तो आ चुके हैं जहाँ हमें आना था, जो बलिया के लोगों को उन्हें मालूम होगा ये राजू ढाबा है, वहाँ पे हम लोग आए हैं सैटरडे का डिनर करने, आउटिंग करने। तो ये देख सकते हैं सिलेंडर आइसक्रीम की वैरायटीज देख रहे हैं, पापा हैंड वॉश कर रहे हैं और यहाँ पे क्रीम वेल और वाटीलाल के आइसक्रीम मिल जाएंगे कुछ, हाँ भिरगू कलर लैब सौजन्य से कुछ कुल्फी भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं नई सुविधा, शादी बर्थडे पार्टी के लिए भी सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। और ये वैदिक को देख सकते हैं, खटिया बिछा लिया अपना, तो ये इसको पे पंपिंग में बहलाया गया, ये है गाड़ी। और यहाँ पे हम लोग की प्लेट्स आ चुकी है, हम लोगों ने डिस्पोजल लिया क्योंकि साफ भी रहेगा और इजी ठीक रहेगा। तो ये चीज़ है, जनता आ रही है, भीड़ लगती जा रही है, भूख लगी है। तो यहाँ पे पापा प्याज को सजाने में लग चुके हैं,
भूख तो लगी। ये दोस्तों हम लोगों का आ गया सब खाना, और फिर अब खा रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं और आज इसका आनंद ले रहे हैं हम लोग सारे लोग। तो भोजन चल रहा है सबका, थाली लगी हुई है, सरेंदर मुस्कुरा रहे हैं, गार्गी परेशान है बाबू को लेकर के। यही एक माँ का कर्तव्य है, अब ब्यूटी तैयारी में है, खाना खा रही है, रंजू मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग खाना खाने गए थे और खाना खा करके वापस जो है कि आ गए, काफी रात हो चुकी है और इसलिए मैं जो है कि अब बाकी सब लोग बिजी हैं अपने अपने काम में और मैं सोचा कि ब्लॉग की एंडिंग कर दूं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि भाई आप कभी कभी ऐसा खाना खा सकते हैं, हर समय नहीं ये चल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसा कहा गया है। और ये एक बात महाभारत में भी आती है, क्योंकि महाभारत में जो है एक जगह प्रश्न पूछा गया कि क्या कारण है, अर्जुन ने ये पूछा कि क्या कारण है कि इतना ज्यादा जो है कि परेशानी हुई जो है भीष्म पितामह को मरने में। तो उसमें कृष्ण ने बताया कि उन्होंने हमेशा पाप का अन्न खाया, ठीक है, दूषित अन्न खाया, इसलिए उनको उस तरह की चीजें हुई, उनके साथ इस तरह की त्रासदी हुई। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये कि आप घर पर शुद्ध सात्विक भोजन करिए, लेकिन अगर मान लीजिए कभी अब समस्या है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो समाज से बाहर जा नहीं सकते हैं, लेकिन भरसक ये प्रयास हो कि हम उससे बचे रहें तो अच्छा ही है। तो घर पर आप सात्विक भोजन करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि अब हमारी बच्चियां हैं, गार्गी को जाना है तो इसलिए जो है कि भाई अब उसके लिए थोड़ी सी एक पार्टी रख दी गई। सैलेंदर भी कह रहे थे बहुत दिनों से, तो चलिए ठीक है, हो गया ऐसा काम। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। हाँ ये जरूर कहना चाहें कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और हर पत्नी पति का ध्यान रखें, बड़े लोग छोटों का ध्यान रखें और छोटे बड़ों की सेवा और सत्कार करें, और आप लोग हमसे इसी तरह से प्यार करें और हमारे चैनल को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट दोस्तों।